अब भावना हो तो दादी जानकी जैसी। दादी जानकी को डॉक्टर ने बोल दिया कई साल पहले कि क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकाश मणि दादी ने सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया अहमदाबाद में कि दादी की हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सभी जोन इंचार्ज अहमदाबाद में आ जाओ। ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दादी जानकी वहां की निमित्त रहने को बोलती, बहन में भोग लगा सकती हूँ क्या? हॉस्पिटल में दिया कहा कि भोग का अरेंज हो सकता है? उस बहन का हाल अली हो जाएगा। तो कहा कि जाओ कुछ अच्छा सा बाबा के लिए बना कर लाओ। दादी की आज तक ये मान्यता है मैं रुकी सुखी खाऊ चलेगा, पर मेरे बाबा को भोग बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, लगना चाहिए। वो कहा कुछ बढ़िया सा बना के लाना, हो सके तो फूलों का हार भी ले आना। थोड़ी देर में भोग का थाल सज के आ गया। दादी जानकी जमीन पर बैठी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। आधा घंटा जब डॉक्टर कह रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन पे जमीन पर बैठकर उसने बाबा को आधा घंटा भोग लगाया और सत वर्ष आयु का वरदान पाया। आज तक दादी जानकी 103 साल की होने वाली है जनवरी में, अगले महीने हमारे सामने है बिल्कुल स्वस्थ। एक ऐसी महिला पूरे विश्व में जो मोस्ट स्टेबल माइंड को रखती है, पूरे विश्व में यदि कोई है जिसके माइंड की रिसर्च हो चुकी है, वो केवल दादी जानकी है जो हमारी है, आपकी है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी महिला जो 100 साल की ज्यादा उम्र की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, वो महिला हमारी दादी है, आपकी दादी है, जिसका नाम है जानकी दादी। इतनी ग्रेट, इतनी महान, इतनी पवित्र आत्मा है। उनकी भोग इस तरह स्वीकार हुआ कि या तो तभी जा रही थी या अभी कितनी हो गई, उनके साथ के सब धीरे धीरे चले गए, लेकिन वो अभी तक विराजमान हैं।